अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आप बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से देगी कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल देगी स्टाइल का ये कोरमा बनता है। आप लोग इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये इतना क्विक और इतना ईजी मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग ईद पर इसको आसानी से, इतने काम होते हैं ना तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत स्टाइल से आप लोगों ने बनाए होंगे, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपको कोई मुश्किल, कोई मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपका कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 5 प्याज है इस साइज़ की। देखिए मैंने प्याज लिए, इसको हम स्लाइस कर लेंगे बिल्कुल बारीक। ये देखिए मैंने बारीक स्लाइस कर लिया इसको, और जितना बारीक करेंगे उतनी अच्छी प्याज आपकी फ्राई होगी। अब यहाँ मैंने पतीली में 1 कप ऑयल ले लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लें तो प्याज अच्छी फ्राई होगी। तो अब इसको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो बस आपने इसको चम्मच चलाते चलाते आपने इसको फ्राई करना है, वरना कहीं से ज़्यादा डार्क हो जाएगी और कहीं से लाइट हो जाएगी। तो आपको इक्वल कलर चाहिए इसमें, तो बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी जब आप चला चला के फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ, इसका कलर आना शुरू हो गया। तो आप इस स्टेज पर इसको छोड़िएगा नहीं। तो ये देखें इसका कलर आ गया, तो मैंने चला चला के इसका कलर इस तरह से कर लिया है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे वरना कोरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है और इसको इस तरह से करके खोल लेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ मेरे पास 1 किलो बीफ है और मैंने बीफ का लिया है। आप मटन, चिकन जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून डालिए, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप हो तो ज़रूर डालिएगा। 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया मैंने। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून तो मैंने काली मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून लौंग लिए है, 4 मैंने छोटी इलायची ली है और 2 मैंने इस तरह से दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं, और ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और दही आपने थोड़ा थिक और खट्टा नहीं लेना, थिक लेना है, ये मेरा बहुत पतला हो रहा है तो आप थिक लीजिएगा। तो ये 1 कप दही मैंने इसमें डाल दिया है और ये मैंने जिसमें प्याज फ्राई की थी वही ऑयल मैंने इसमें लिया है, तो ये 1/2 कप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और बस सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो आपके पास जब बहुत सारे काम हो तो आप इस तरह मैरिनेट करके इसको रख दें। और ये देखिए मैरिनेट मैंने कर दिया है और इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी, और 1 घंटा या 1.5 घंटा आपके पास जितना टाइम हो। तो 1.5 घंटे के लिए आप इसको कवर करके रख दें, तो बहुत अच्छा टेस्टी आपका कोरमा बनकर रेडी होगा। और बहुत इजी मेथड है, इस तरह से आप करके रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाकी आप काम करें अपने, और जब आपको बनाना हो उस टाइम आप इसको बना लें। अब यहाँ पर हम 4 छोटी इलायची ले लेंगे, 1 जावित्री का पीस मैंने इस तरह से लिया है, ये जायफल मैंने ली है, 10-12 मैंने बादाम लिए हैं, और इसको हम इस तरह से इसमें डाल देंगे चॉपर में और बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये भी आप हाथ के हाथ बना के रख लें। और ये देखें ये इस तरह से मैंने बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पे प्याज को भी इसी तरह चॉपर में डाल के मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो चॉपर में, नहीं तो हाथ से आप इसको बारीक चूरा कर लें। तो मैं इसको चॉपर में कर रही हूँ, बगैर पानी डाले इसे पीस लूँगी मैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसके 2 घंटे मैंने रख दिया था इसको, तो 2 घंटे हो गए हैं। आपके पास जितना टाइम हो आप उस हिसाब से रख लें, और जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी उसी पतीली के अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। और अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। 1 गिलास फिलहाल मैं ऐड कर रही हूँ, बीच में आपको जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। जितने पानी की आपको ज़रूरत हो आप इसमें ऐड करें, बस आपका गोश्त टेंडर होना चाहिए, अच्छा गला हो। तो ये देखिए मैंने इसमें अभी फ़िलहाल तो 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो बस अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको कवर करके मैं 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। गोश्त अच्छा गला होगा तो कोरमा अच्छा लगेगा आपका। तो ये देखें यहाँ पे 1 घंटा इसका कंप्लीट हो गया,
और ये देखें हमारा गोश्त गल चुका है। तो अब ये जो हमने प्याज मोटी मोटी चूरा करके रखी थी इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, तो ये जो चूरा करी थी ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने नारियल का पाउडर 2 टीस्पून लिया था और इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था और वो भी डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर ये जो मैंने बादाम वगैरह का जो पाउडर बनाया था, जायफल जावित्री वगैरह का, वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें कितना दानेदार सा हमारा कोरमा रेडी हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर लें। मुझे थोड़ा थिक पसंद है कोरमा, तो मैं इस तरह से बस 1 गिलास पानी ऐड किया है और बस इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पकना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। केवड़ा वाटर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको मैं हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि केवड़े की अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। ये देखिए यहाँ इसके 5 मिनट हो गए, तो अब मैं इसका दिखाती हूँ आपको। लुक ये देखें कितना अच्छा रेड सा कलर कोरमे का आया है और इसका रोगन भी ऊपर आ गया। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इतना रखा है इसमें ग्रेवी। तो अगर आपको थोड़ा थिक और पसंद है तो आप पानी कम ऐड कर लिएगा। और देखें कितना अच्छा रेड कलर आया है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से, तो अगर वो हो तो आप ज़रूर डालिएगा। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा देगी कोरमा रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप लोग इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत काम होता है ईद वाले दिन घर में, तो आप लोग इस रेसिपी को जैसे मैंने बताया ये बहुत इजी मेथड है, आप इस तरह से मैरिनेट करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कोरमा भी बन जाएगा बहुत कम टाइम में। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, इससे जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका कोरमा कैसा बना, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।